क्या है, फॉर द वट रेशियो ऑफ आर वन आर टू एंड आर थ्री पावर डिप्लॉयड अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू। पावर क्या हो, इक्वल होनी चाहिए, तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा ये हमें बताना है। पहले तो हमें पता है पावर क्या होता है, ई इंटू आई, और ई हमारे पास होता है आई आर, तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, आई स्क्वेयर आर। पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, आई स्क्वेयर आर, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, आई स्क्वेयर आर। तो इसमें जो रेजिस्टेंस का रेशियो अगर हम मान ले दोनों का क्या है, इक्वल है, क्योंकि अगर हम ये रखें तो हमारे पास क्या, ये वन वन वन, तो रेजिस्टेंस का ये यहाँ पे करंट क्या जाएगा, I by 2, और यहाँ भी करंट क्या जाएगा, I by 2 जाएगा। तो हमारे पास पावर का रेशियो क्या आ जाएगा, I square R रेशियो I square divide by में 4R रेशियो I square divide by में 4, तो ये आएगा तो इक्वल ही आएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि जो पावर का रेशियो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इन फर्स्ट में हमारे पास क्या, I square R रेशियो I square divide by में 4R आई स्क्र आर डिवाइड बाई में 4, ये आ रहा है हमारे पास। अब हम रख देते हैं 4 4 1, इसको हम रखते हैं 4, इसको हम रखते हैं 4, और इसको हम रखते हैं 1, तो हमारे पास पावर का रेशियो क्या आएगा, P1 P2 एंड P3 हमारे पास क्या आ जाएगा, आई स्क्र इंटू 4R रेशियो आई स्क्र बाई में 4 इंटू 4R, और इंटू में क्या आ जाएगा, आई स्क्र आर, तो 4 से की तो आई स्क्र 4R रेशियो आई स्क्र आर रेशियो आई स्क्र आर, तो ये भी हमारे पास पावर का रेशियो सेम नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। अब हमें पुट करना है क्या, थर्ड 4 इसको 4 इनको 1 और 1, तो हमारे पास पावर, ये सेकंड ऑप्शन था, पावर का क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन को देखें तो पावर रेशियो क्या आ जाएगा, P1 रेशियो P2 रेशियो P3, इसमें क्या आ जाएगा, आई स्क्र 4R रेशियो आई डिवाइड बाई 4 इंटू आर और रेशियो आई स्क्र डिवाइड बाई में 4 इंटू आर, तो इसमें भी रेशियो क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। अब आई आर वन की वैल्यू 1, आर टू की 4, इसकी भी आर थ्री की भी 4, तो इसमें अगर हम देखें फोर्थ ऑप्शन के देखें तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 हमारे पास क्या आ जाएगा, आई स्क्र आर रेशियो आई बाई टू इसका स्क्वेयर इंटू में 4R रेशो आई बाई टू इसका स्क्वेयर इंटू में 4R, तो आई स्क्वेयर आर इंटू में आई स्क्वेयर डिवाइड बाई में 4 इंटू 4R रेशो आई स्क्वेयर डिवाइड बाई में 4 इंटू 4R, 4 से 4 कैंसिल, तो रेशो क्या रहा, आई स्क्वेयर आर रेशो आई स्क्वेयर आर रेशो आई स्क्वेयर आर, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आर वन क्या होगा, 1 होगा, आर टू होगा 4 और आर थ्री होगा 4, इस वजह से हमारे पास पावर का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।